स्वागत है जापान में विद योर वन एंड ओनली एक्सप्लोरर राजा। अब तक जापान का सीरीज बहुत ही सुंदर और खुशनुमा था, पर अब बात करने वाले जापान का दुखदायक शहर हिरोशिमा के बारे में। हम लोग पहुंच गए थे हिरोशिमा में क्योटो से, और इस वीडियो में देखेंगे क्या बचा है और कैसे एक एटॉमिक बम ब्लास्ट वाला शहर बच के इतना नया और मॉडर्न सुंदर शहर बन चुका है। और स्वागत है आप सबका हिरोशिमा में। बुलेटिन का राइड बहुत ही फास्ट था, इतना फास्ट था और इतना छोटा राइड था कि कुछ रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा नहीं पाया, तो एक शायद दूसरा बुलेटिन का प्रॉपर वीडियो होगा, उसमें आपको मिल जाएगा बुलेटिन का एक्सपीरियंस। फिलहाल अभी चलो एग्जिट करते हैं और अपने हॉस्टल चलते हैं, क्योंकि इधर भी होस्ट नहीं मिला उनको। ऐसे तो हिल रहा है जैसे कि भूकंप हो रहा है, ठंड तो सेम है वैसा ही जैसा होना चाहिए। तो मेरे हॉस्टल में मैंने कपड़े डाल दिए इसके अंदर और यहाँ से मसाला भी डाल दिया है। और अभी कैसे कमाए थे जापान में, सब कुछ कॉइन बेस्ड है। एक 200 और ऑटोमेटिक काम शुरू हो गया इस वॉशिंग मशीन का हॉस्टल में, 110 रुपये का बिल। तो उस हॉस्टल में मैं रह रहा हूँ जिसका नाम है एवरग्रीन हॉस्टल, एकदम सेंटर में। क्यों सेंटर में बता रहा हूँ, क्योंकि यही से सब कुछ पास है। स्वागत है हिरोशिमा में। आज दिन अच्छा है, उतना ठंड नहीं है। ये शर्ट मैंने क्योटो से ले लिया था। अभी करने वाले लंच यहाँ का जो ट्रेडिशनल खाना है उसको। हेलो, क्लोज्ड? अरे इनका तो क्लोज्ड है, अभी पता नहीं कहाँ खाना मिलेगा। हिरोशिमा लोग कितने अच्छे हैं, खुद का दुकान बंद है फिर भी ढूंढ के बता रहे हैं किसका दुकान खुला होगा। मेरे साथ चल के जा रहे हैं दुकान के लिए, लेकिन नहीं जाने के लिए। बताओ भगवान, ऐसे अच्छे लोग के ऊपर वो साला अमेरिका ने क्या कर दिया, मतलब सोच के अजीब लग रहा है। भाई कितना दूर था उनका दुकान, वहाँ से कितना दूर मेरे को लेके जा रहे हैं। ऐसा स्वागत हो रहा है हिरोशिमा में अपना। अच्छा मेरे को एटीएम से पैसे भी निकालने, एटीएम चलते हैं पहले। वैसे ग्लूमी ग्लूमी सा वेदर है आज, एटीएम का सीन क्या है चेक करते हैं। भाई साहब ऐसा एटीएम तो मैंने आज तक नहीं देखा, पता नहीं यहाँ पे अपना काम करेगा कि नहीं, अंग्रेजी का ऑप्शन आएगा कि नहीं। चलो ट्राई करते हैं। भैया तो मेरा कार्ड ले ही नहीं रहा, इसको छोड़ते दूसरे टीम चलते। एक और रेस्टोरेंट बंद हो गया यार, देर बजे। एक जगह मिला है और चाची तो इधर डायरेक्ट उधर से खा रही है, कोई प्लेट वेट का सीन ही नहीं है। इसे कहते ओकी नापा। ओके दैट इज अ मेनू, दिस इज अ मेनू इंग्लिश, थैंक यू। ओकोनोमोयाकी ये नाम है और प्राइस देख लो 900-800 हजार, इतना येन यानी कि 400-500 रुपए में आपको सब लोकल स्टोर में ना खाने को मिलेगा। और यहाँ पे सिर्फ कैश लेते हैं, पैसे निकालने पड़ेंगे। अभी एटीएम ढूंढता हूँ मैं। तो ये खाने का एरिया है और यहाँ पे एटीएम है। एटीएम से मैंने निकाल लिए 20,000 येन, जिसके 20,000 इनके सिर्फ दो नोट मिला है, जिसके मेरे बैंक से कटे 11,200 रुपए, क्योंकि 100 रुपये इनका वो चार्ज था, एटीएम चार्ज था जो मैंने पे कर दिया। तो 11,200 रुपये सिर्फ दो नोट में, सोचो। हाँ US डॉलर जैसे ही हालत है, ऑलमोस्ट बड़े बड़े करेंसी है। चलो अभी खाना खाते हैं। तो आ गए इस लोकल जगह पे, यहाँ पे बन रहा है अपना यामी। तो बेसिकली ये पैनकेक जैसा है, अपना माल गिर गया है और इसमें अभी पॉट जाएगा और अंडा जाएगा। बहुत ही मज़ेदार है यहाँ का प्रिपरेशन। ये लगता है पता नहीं क्या जा रहा है। What was this?
What is this? Seaweed. Seaweed, ah, okay. And this pork? Yeah, kacha kacha khilayenge kya pork bhi? Pata nahi yaar. थोड़ा पका देते तो अच्छा लगता यार। अच्छा उधर जा रहा है अपने नूडल्स, अभी नूडल्स पकेगा, नूडल्स पक के आएगा और फिर इसमें डालेगा। हिरोशिमा का ये एकदम ऑथेंटिक खाना है, आपको हर जगह मिल जाएगा ऐसा चार पांच शॉप से। हालांकि मेरे को मिला नहीं, पहले दो तीन शॉप्स में एकदम भरे हुए थे, अभी पहली बार मिला है। चलो खाएंगे। ये लोग नूडल्स को भी फ्राई करते हैं जैसे अपना नूडल्स होते हैं, और ये खाना को चाइनीज नूडल्स यूज करते हैं, अपना जापानीज वाला नहीं करते। एनीवे हम लोग तो यही सिखाएंगे जैसे दादी माँ ने खाया उधर। अरे उधर खा के माल भी रख दिया। जापान में सुशी खाने का तो शौक नहीं था, पर ऐसे ही उबलते हुए तवे से खाने का बहुत शौक था, बहुत वीडियोस देखा था। फाइनली मौका मिल रहा था ये खाना ट्राई करने के लिए, और मेरे को पता भी नहीं था कि ये खाना मेरा फेवरेट बन जाएगा। आप चाहो तो प्लेट में भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि प्लेट में नहीं मिलेगा, प्लेट में मिल सकता है। पीछे वाली मोहतरमा प्लेट में ले लिया। हम लोग तो भाई डायरेक्ट खाएंगे उनके जैसे, डायरेक्ट फायर से आ गया अपना नूडल्स, इसे फ्राई करेंगे। मैं जापान में ना कुछ नहीं बता रहा कि स्पाइसी करो, ये करो, वो करो, उनको बनाने दो अपने हिसाब से, फिर मैं देखूंगा। यहाँ पे ज़्यादातर डिशेस पॉक से बनते थे, तो मैं एंजॉय कर पा रहा था और यहाँ पे खाने को मिल रहा था अच्छा स्वादिष्ट। ये वाला मेरा है, अंडा कुक करने के लिए वेट करते हैं। हाँ देखो अंडा नीचे बन गया, अभी अंडा को उल्टा दिया, अभी डलेगा इसमें चटनी अलग सा टेस्टी वाला। और मैंने टॉपिंग्स के लिए बोला है स्प्रिंग ऑनियंस। मेरा स्प्रिंग ऑनियंस किधर है भाई? अरे ये मेरा नहीं है, ये उनका है यार। लोल हो गया, कोशिश करते शायद अगला वाला मेरा बने। तो भाई अपना खाना आ गया है, देखो एकदम मेरे को सामने दे दिया, ऐसा कभी एक्सपीरियंस मैंने तो नहीं किया। अभी कैसे खाए उनको देख के खाने का पड़ रहा है। इसी को यही स्पून है, यही कटर है, इससे काटो, इससे स्पून करो और फिर खाओ। यार खाते इसको काटते हैं ऐसे, लो एक बड़ा सा चंक। अरे ये नीचे पूरा स्टिक हो रहा है क्योंकि गर्म है ना। ले लिया अभी। और आप लोगों को बता देता हूँ, मैं जापान ट्रिप के पहले कभी भी चॉपस्टिक से खा नहीं पाता था। जापान में आने का एक हफ्ता हो गया था और मैं चॉपस्टिक्स का प्रो बन चुका था। अभी फू मारो, थोड़ा सॉस में डुबाओ और खा जाओ यार। अभी ये एडिटिंग करते हुए मेरे मुँह में पानी आ गया पूरा। जापान आ रहे हो, हिरोशिमा आओ या ना आओ, ओकोनोमियाकी ट्राई करना पड़ेगा आपको। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है और मेरा आपको ये डिमांड है, ट्राई जरूर करना ओकोनोमियाकी। ये एक छोटा सुअर का कैफे है, यहाँ पे आप छोटे छोटे सुअर के साथ खेल सकते हो। ये प्राइस है 30 मिनट का, ऑलमोस्ट 900 रुपये, एक घंटे का 1300 रुपये। भाई क्या चल रहा है जापान में, यहाँ पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसकी वजह से इन्होंने कितने आदमी लगा दिए ट्रैफिक मैनेज करने के लिए। और ये मेन रोड भी नहीं है, एक गली का रोड है। मतलब आप बताओ, इनका ज़िंदगी सही नहीं होगा तो किसका होगा। वैसे देखो एक पुराना घर है और आजू बाजू में सब नए घर बन रहे हैं, पर फॉर श्योर ये बॉम ब्लास्ट के पहले का घर नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम सब कुछ तबाह हो गया। उसके बारे में हम लोग जाएंगे, देखेंगे, बताएंगे आपको। तो प्लान करोगे ठीक से तो $15 में हॉस्टल मिल जाएगा सेंटर में, और अगर आप आओगे सकुरा सीजन में तो आपको देखने को मिलेगा जापान इतना सुंदर। हिरोशिमा एक छोटा टाउन तो नहीं कहूँगा, बड़ा शहर ये जापान का मोस्ट इम्पोर्टेंट शहर में आता है। और मेरे को एकदम आइडिया नहीं था कि इतना सुंदर ट्रैम चलेगा और इतना सुंदर शहर देखने को मौका मिलेगा, जो कि बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका था अमेरिकन के द्वारा, एटॉमिक बॉम्ब। न्यूज़ में पढ़ा था, हिस्ट्री में पढ़ा था कि सब खत्म हो गया था, सब एकदम ज़ीरो था। पर आज के दिन में इतना बड़ा शहर, इतना मॉडर्न, कैसे भाई जापान, क्या खा लिया तुमने? उधर सब बैठ के पिकनिक कर रहे हैं, ये पिकनिक को कहा जाता है एज से कुछ, और उधर फूल झड़ रहे हैं। ये जो सकुरा सीजन है ख़त्म होने का है, बट अपना ट्रिप नहीं, हम लोग हैं हिरोशिमा में, और हिरोशिमा का जो हिस्ट्री हम सबको पता है, अगस्त में 1950 में
6 अगस्त शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अमेरिकी पागलों ने इधर बम मार दिया और यहाँ पे पूरा ये एरिया तहस नहस हो गया। सोचोगे भी तो लगता है कि कैसे कर सकता है कोई, और फिर एक बार नहीं दो बार किया और सब कुछ तबाह हो गया था यहाँ पे सब कुछ। बस एक चीज़ रह गया था जो कि आपके सामने है, वो जो डोम देख रहे हो आप, डोम थोड़ा टूटा हुआ है, थोड़ा बचा हुआ है, वो आखिरी अवशेष है उस जानलेवा परमाणु हथियार का, ना बॉम्ब था एटॉमिक बॉम्ब, वो फटने के बाद वही बस बचा है वो डोम। उधर जाएंगे, वो है पीस मेमोरियल हिरोशिमा, चलो जाके देखते हैं। तो अभी अपने सामने है ये बिल्डिंग, जो आखिरी बिल्डिंग है, जो कि एकमात्र बिल्डिंग है जो कि बच गया था यहाँ पे एक्सप्लोशन की वजह से। मैं तो कह रहा हूँ सबको पता है, पर हो सकता है किसी को पता नहीं, तो बता देता हूँ फिर से। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जर्मनी और जापान साथ में टीम अप कर रहे थे, और उस साइड दूसरी टीम में, बड़े बड़े टीम में थे रशिया और USA। तो यहाँ से जापान ने बहुत सारे सुसाइड बॉम्ब्स कर रहे थे US पे, पर्ल हार्बर कहते हैं आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब्स कर रहे थे, फिर USA ने बनाया एटॉमिक बॉम्ब, ओपेनहाइमर मूवी निकला कुछ पिछले साल, बहुत हिट हुआ और बहुत सारे ऑस्कर्स भी मिले, क्या बताऊँ। और फिर वो बॉम्ब बनाने के बाद यहाँ पे पहली बार अगस्त महीना 1950 में यहाँ से 600 मीटर ऊपर एक्सप्लोड हुआ, सब कुछ तबाह हो गया, 70-80 हज़ार लोग इंस्टेंट मरे गए और कुछ लोग बाद में रेडिएशन से मरे गए, और फिर उसके बाद जो बच्चे भी हुए इधर सब थोड़े रेडिएशन की वजह से टूटे फूटे ख़राब निकले। तो इधर का हिस्ट्री बहुत ही ख़राब था, पर ये वाला बिल्डिंग एकमात्र बिल्डिंग है जो कि बच गया, मतलब इतना सा बचा था, तो बड़ा बिल्डिंग, तो ये डोम बच गया। तो यही डोम अभी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन कह सकते हो या फिर जो भी कहो, मेन वही है। और फिर आजू बाजू पीस मेमोरियल, छोटा सा आइलैंड बचा हुआ है। फिर उसके बाद देखो जापान वालों ने इसको फिर से बड़ा से कंस्ट्रक्ट कर दिया, और आज फिर से हंसता गाता खेलता शहर ही है हिरोशिमा का। वैसे उस इंसिडेंट से पहले भी हिरोशिमा बहुत ही हिस्टोरिक और बहुत ही ख़ास शहर माना जाता था, जापान का बड़ा शहर है और यहाँ पे बहुत ही बड़ा उसकी वजह से मिलिट्री बेस भी बना हुआ था। आज के दिन में भी है, ऐसा नहीं कि आज नहीं है, पर आज इसको देखने के लिए चार दुनिया से लोग आते हैं, अमेरिका के लोग भी आते हैं। हंसी की बात तो ये है कि आज USA और जापान दोस्त हैं, ये देख के और हंसी आती है मेरे को, पर यही है वो जगह। युद्ध के बाद जब शहर नए से बन रहा था तो लोगों का कहना था कि पुराने जितने भी डिस्ट्रक्शन बिल्डिंग है बॉम्ब वाले, उनको तोड़ के रीमॉडलिंग करके नया कुछ बनाया जाए, पर ये वाला डॉम नहीं तोड़ा गया, बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया, नहीं इसको रहना चाहिए, भले ही शहर मॉडर्न एकदम टिप टॉप शहर बन जाए एकदम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, ये वाला डॉम रहना चाहिए ताकि लोगों को याद रहे क्या हुआ था, क्या ऐसे अमेरिका ने जापान पे हगा था और क्या हालत हो गया था यहाँ पे, और क्यों आपको एटॉमिक बॉम्ब यूज़ करना नहीं चाहिए। और तो 1945 में यहाँ पे 6 अगस्त को ठीक यही बिल्डिंग के ऊपर फेंका गया था बॉम्ब। अब पता नहीं क्यों ये बिल्डिंग तो बच गया, पर 200,000 लोग मारे गए और 2 किलोमीटर रेडियस में सब कुछ एशेस हो गए। यहाँ पे पानी का बॉटल देखे रखे, आई थिंक ये उनका कुछ होगा जो मरे हुए उनके आत्मा को पानी देने के लिए ऐसा कुछ सिस्टम होगा इनका। पता नहीं ये डॉम कैसे बच गया, पर 200,000 लोग मर गए और ये इतिहास रह गया। आज के दिन में कितने सारे देशों में बॉम्ब है, और जो यहाँ पे फटाया गया था उससे भी 4,000-5,000 गुना बड़ा बड़ा बॉम्ब पड़ा है। सो डू नॉट एंटर, अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। पर ये तो मेरे ख्याल है यार,
3 लाख लोग मरे गए और सब कुछ धंधन हो गया, ये छोटा सा एक बिल्डिंग कैसे बच गया भाई, कैसे? देखो ये फोटो है, जब डिस्ट्रक्शन हुआ था उसके बाद वाला, सब कुछ आसपास तहस नहस हो चुका है, पानी भी एवेपोरेट हो चुका है, बट ये बिल्डिंग बच गया, ये डोम बच गया। ऐसे बहुत कुछ इंफॉर्मेशन लिखे आप पॉज करके पढ़ सकते हो, बाकी आगे बढ़ते हैं। बहुत दुख देख लिया, एक्चुअली बहुत ही कम देखा है क्योंकि उतना दुख बचा ही नहीं है हिरोशिमा में, सब अभी चंगा है। एक होता है होंडा, ये भी यहाँ से सारे बाइक्स अच्छे अच्छे यही से ही है, सीवीआर 250 ज़्यादा बड़ा नहीं है, और ये भी है होंडा चुटकू सा, आपको कौन सा चाहिए? तो यहाँ पे पार्क के बैठ के सब पिकनिक कर रहे हैं बहुत ही मज़े में, सब अपने दोस्तों के साथ हैं। हालांकि जापान के लोग ज़्यादा मतलब वो नहीं होते, वेलकमिंग नहीं होते, ज़्यादा खुल के बात नहीं करते, बट हिरोशिमा में कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा बेटर है, लोगों से आप बात करने जाओ तो लोग थोड़ा बहुत बात कर भी लेते हैं यहाँ पर। बाकी सब सुंदर फैमिली के साथ हैं यहाँ पर, सॉरी सब फैमिली के साथ यहाँ पे, सब दोस्तों के साथ है, मजा आ रही है। हिरोशिमा टोक्यो और क्योटो से तो दूरी है, बट मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा सिर्फ डोम देखने के लिए आने का, आप ये टाइम अगर स्मॉल ट्रिप है कहीं और पे इन्वेस्ट कीजिए, कहीं और जगह एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे डोम ही है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ टूटा फूटा डिस्ट्रक्शन देखने का मौका मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हिरोशिमा के लोग अच्छे हैं और हिरोशिमा के बगल में एक आइलैंड है, वो देखूंगा हम लोग अगले वीडियो में, मिजुनिमा आइलैंड कहते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुंदर है, पर एक्सपेंसिव है हिरोशिमा आना, ट्रांसपोर्ट महंगा है जापान में, उसी वजह से अगर आपका बजट ट्रिप है तो आप हिरोशिमा स्किप कर दो और ये फोटो वीडियो देख लो। और आपके पास अगर बहुत सारा टाइम है और हिरोशिमा वाकई में आना है तो आओ, मजे करो और खूब सारा ओकोनोमियाकी खाओ जैसे मैंने खाया। अंटिल देन कीप एक्सप्लोरिंग विद योर एक्सप्लोरर राजा। अगले वीडियो में देखेंगे जापान के खूबसूरत लोगों को कैसे बात किए जाए और दोस्त बनाए जाए।